छह अजीज तलबा और तालबात, इस बुलंद खाने के बाद जो है नासिर काजमी इस शायर की इस गजल नंबर 4 की जो है तशरीह करने की कोशिश करें, जिसमें सबसे पहले मतला है, जिसमें शायर कहता है कि सुनाता है कोई भूली कहानी महकते मीठे दरियाओं का पानी। शायर इस शेर में कहना चाहता है कि एक कोई शख्स है जो एक भूली बिसरी कहानी इंसानियत को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो कहानी ऐसी है, वो कहानी की दुनिया ऐसी है जिसमें जो है बेहतरीन दरिया बह रहे हैं, और दरिया भी कैसे कि उनका पानी जो है वो खुशबूदार है और जायके में मीठा है। अगले शेर में शायर फरमाता है कि यहां जंगल थे आबादी से पहले, यहां जंगल थे आबादी से पहले, सुना है मैंने लोगों की जबान। प्यारे तलबा, शायद इस शेर में कहना चाहता है कि ये यहां जो आजकल आबादी नजर आती है, यहां पर कुछ वक्त पहले जो है जंगल हुआ करते थे। अब हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में जो है इंसान तरक्की करता चला आ रहा है, कुछ तरक्की इंसान के लिए जो है फायदेमंद तो साबित होती है, लेकिन कुछ तरक्की ऐसी होती है जो इंसान को जो है नुकसानदेह साबित होती है, जैसा कि मुख्तलिफ जंगलात को काटकर वहां पर बस्तियां बसाना, जंगलात कम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि शायर का इशारा उस तरफ हो कि यहाँ जो है पहले जंगल हुआ करते थे, जंगल में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हुआ करते थे, उनकी आवाजें हुआ करती थी, उनकी चहचहाट हुआ करती थी, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल का मंजर होता था, जबकि यहाँ पर वो जो है जंगल काट कर बस्ती बसाई गई। तो शायर का जो है इशारा इस तरफ।